कोई इंसान किसी को महबूब रखता है और पसंद करता है, बेइंतहा प्यार करता है किसी शख्स से, और वो शख्स जो है जिससे वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको खुद ही बता दे कि मेरी पसंद की क्या चीज़ है और मुझे कौन सी चीज़ नापसंद है, तो बेइंतहा खुश होगा आदमी कि कितना बड़ा क्लू मुझे मिल गया, कि मुझे मालूम हो गया कि ये शख्स जो है या मेरा महबूब जो है वो इस चीज़ को पसंद करता है, तो जान तोड़ कोशिश करेगा वो अपनी पूरी कि मैं वो चीज़ उसके लिए करूं जो उसको पसंद है, जो उसको महबूब है। आपके घर कोई मेहमान आता है जिससे आप बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और आपको पता है कि जी हमारा मेहमान आने वाला है बहुत मोतबर है, बहुत अजीम है, और आपको पता भी चल जाए कि ये शख्स जो है, ये मेहमान जो हमारा है वो इस चीज़ को पसंद करता है, उस आपको चीज़ पे ये खाना पसंद करता है, तो सबसे पहले यही करेंगे आप वो चीज़ उसके लिए मुहैया करेंगे, वो खाना उसके लिए मुहैया करेंगे ताकि वो शख्स खुश हो और उससे राज़ी हो, उसकी मोहब्बत बढ़े। एक तो एक जनरल असूल है, नफ्सियाती असूल समझ लें आप। तो हर इंसान को अपने महबूब को मनाने के लिए, उससे मोहब्बत बढ़ाने के लिए, उससे ताल्लुक मजबूत करने के लिए सरगर्दां देखते हैं आप, इस हाल के अंदर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, किसी तरह मैं अपने महबूब को राज़ी करूं, अपने करीब करूं, वो मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो वो हर फेल हर चीज़ उसके लिए वही मुहैया करेगा, वही चीज़ें पसंद करेगा, कोशिश करेगा कि इस चीज़ के साथ वो मेरा महबूब मुझसे राज़ी हो जाए, मुझसे प्यार करने लगे। अल्लाह सुबहान तआला ने अपने इंसानों पर कितना फ़ज़ल फरमाया है, कितना करम फरमाया है, सोचें ज़रा कि उसने खुद ही अपने बंदों को बता दिया कि मैं किस चीज़ से प्यार करता हूँ, किस चीज़ से नफरत करता हूँ। सुभान अल्लाह, ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। मुझे बताएं इससे आसान रास्ता कोई और हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अपने रब को राज़ी करना, बस एक ही मकसद है, यही अल्लाह ने कहा अल्लाह नस्र को रिदा, बस मुझसे जो मांगो तो मेरी रज़ा मांगो, जो जिससे राज़ी हो गए अल्लाह ताला राज़ी हो गए। देखें सबसे बड़ा सहाबा कराम को जो इनाम अल्लाह ने बताया, उसका ऐलान किया कुरान में रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैं ये वो जमात है मेरे महबूब की जिससे पहले मैंने किसी को इनाम नहीं दिया, अब वो इनाम ये देता हूँ,
क़यामत तक इसको कुरान की आयत बना देता हूँ और आप रिपीट करते रहेंगे, उस आयत को पढ़ने पर सवाब हासिल करते रहेंगे कि मैं इनसे राजी हो गया। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने इनको इतने दौलतें दे दी, मैंने इनको बागात दे दिए, मैंने इनको महलात दे दिए, इनको सल्तनतें दे दी। ऐसा ज़माना भी है साहबा पर, बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके पास हैं, बड़ी बड़ी फतूहात हुई, जो कभी एक खजूर पे गुजारा करते थे जिनके पास एक कपड़ा पहनने को नहीं था, तो उनके तनावल के लिए खाने मैसर थे। तो साहबी थे, रोते थे कि हम किस तरह खाना खाएं, जब नबी पाक के सामने हम मौजूद थे तो हमें इसका तो सोच भी नहीं सकते थे, कहा जाए हम कैसे खाएं ये खाना। तो भाई था उनके पास सब कुछ, अल्लाह ने दिया, फिर बहुत कुछ दिया जो वादा किया था शुरू में, जिस पे हंसते थे सारे लोग, अच्छा ये होगा, वो सारा कुछ अल्लाह पाक ने साहबों को अता फरमाया। लेकिन वो इनाम नहीं था अल्लाह के नज़दीक, सबसे बड़ा इनाम जो उनको दिया वो क्या, कि मैं तुमसे राजी हो गया। तो अब ये देखें कि अल्लाह पाक ने खुद बंदों को बता दिया कि भाई मैं तो इस चीज़ को पसंद करता हूँ, अब तुम्हारी मर्जी। तब हम बेवकूफ़ नहीं कि इस दुनिया से जाएं और हमारा महबूब राजी ना हो हमारे से। सोचिए जरा कितना बड़ा नाकाम शख्स होगा वो मर्द और औरत, कि जिसको पता भी हो कि हमारा रब इस चीज़ से राजी होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल वो इस दुनिया में रहा और वो अपने नफ्स को राजी करता रहा, वो ये पूछता है कि मेरा नफ्स किस चीज़ से राजी होता है, आज मैं कौन सा खाना खाऊं तो मुझे मज़ा है, आज कौन सी औरत से शादी करूं तो मुझे लुत्फ आए, किस किस्म की औरत मेरे लिए होनी चाहिए, कैसा मकान होना चाहिए, कैसी गाड़ी होना चाहिए, कैसा खामिद होना चाहिए, कैसे बच्चे होने चाहिए। अपने नफ्स की खातिर हम अपने आप को राज़ी करते रहे, यह है ना हमारी ज़िंदगी, ये धोखा है। सहाबा कराम तो कभी इस धोखे पर नहीं आए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, दोनों पिक्चर्स दिखाई हमें कि हमारे सामने आँखें खुल जाएँ। वो तो इस चीज़ को उन्होंने उस जमाने में नहीं पसंद किया और बाद में भी पसंद नहीं किया, तो वजह नहीं थी उस चीज़ के लिए, तो उनको तो एक ही फिक्र था, एक ही फिक्र था कि अल्लाह ताला तू राज़ी है, बस नमाज पढ़ रहे हैं तो रो रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तो रो रहे हैं, और सिजदों में पढ़े हैं तो रो रहे हैं, रुकू में पढ़े हैं तो रो रहे हैं, और गवर्नर हैं तब भी रो रहे हैं, अमीर मोमिनीन हैं तब भी रो रहे हैं, लाखों लाखों मुरब्बे की सल्तनत हैं तब भी खड़े रो रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई सब कुछ तुम्हारे पास है, लोग कहते हैं इतने बड़े मुरब्बों के मालिक हो, इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारा कुछ है, क्या है तुम्हारा अमीर, कहते हैं अमीर तो वो पढ़ा मस्जिद के कोने में पढ़ा, हजरत उमर की तरफ ध्यान दिया, बहुत बड़ा वफद मिलने आया उनसे, तो किधर है तुम्हारा अमीर मोमिन, कहते ये वो पढ़े, ये अमीर मोमिन, कहता हाँ यही है, और साथ में एक सूखी रोटी और चंद पानी का टक और पानी का कटोरा रखा था, क्योंकि उनको तो फिक्र एक था, बस एक फिक्र था कि कहीं अल्लाह हमसे राजी हो गया या नहीं हुआ राजी। तो मेरे भाई हमें तो कोई फिक्र नहीं है, जवानी थी तब भी फिक्र नहीं था, बच्चे थे तब भी फिक्र नहीं था, होश है तब भी फिक्र नहीं था, गरीब थे तब भी फिक्र नहीं था, अमीर हैं तब भी फिक्र नहीं था, वह हमें तो एक ही फिक्र है। आंखें खोलें जरा, हम अपने आप को झंझोड़ें, होश में लाएं अपने आप को, अभी भी वक्त है अल्लाह को राजी करने का, अभी भी वक्त है, गया नहीं, वो तो ऐसा करीम महबूब है, ऐसा करीम महबूब है, वो तो सेकंडों में राजी हो जाता है, सेकंडों में राजी हो जाता है। वो कहता है आओ तो सही मेरी तरफ, मुझे तुम एक दफा कहो तो सही कि हम तुझे मनाने आए हैं, हम तुझे राजी करने आए हैं, तो आओ तो सही। अल्लाह अकबर, ऐसी खातून ऐसे। लेकिन जब उनके उसको ख्याल आया, जमीन झंझोड़ा, पैगाम उन तक पहुंचा, अल्लाह ने उन पर कर्म फरमाया, तो उन्होंने कहा उसी वक्त कि अल्लाह हम तुझसे राजी होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला मैं तुझसे ऐसा राजी हो गया, पिछले मुझे याद ही नहीं कि तूने क्या किया, जो आज मुसलमान है तो उससे भी अच्छा हो गया, तुझे दो इनाम दूंगा, जन्नत आऊं तुझे दो जन्नत अता की जाएंगी। तो ये ऐसा महबूब हमारा, मेरे भाइयों राजी करो, हाथ तो खड़ा करते हैं, मुझे बताएं हम अपने आपको सोचें कि हम मेरा महबूब मुझसे राजी हो गया, होगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हमने तो जो फेल किया नमाज पढ़ रहे हैं, अभी ये नियत की कि हम किसी लिए नमाज पढ़ रहे हैं, किस लिए दुआ, सबसे पहले दुआ जो होगी वो अपने नफ्स की रजा की ही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मांगे दुआ, बनाते ना फिर दुनिया हसदों फिर आखिरत हसदों के नाजा बना मांगे। लेकिन आशिक का काम तो यही होता है, जो आशिक सच्चा होगा कि सबसे पहले कहेगा अल्लाह ताला तू राजी है मेरी नमाज से, या करीम तू इस नमाज के सदके तू राजी तो हो जाए मुझसे,
भाई सबसे बड़ी कामयाबी ये है, कुरान ने बताया कि अल्लाह ताला यही कहेगा, ये आयु नफ्स मुमिन अर्जिल रब्बी करा दे तुम मर्दैया आदियतम मर्दैया, अब बंदे आ जा मेरी तरफ, कुछ नहीं कहा, दौलत नहीं मांग रहा, खर्च कहता बस, जिसके लिए लफ्ज निकल गया आसमानों से क्या, आ जा बंदे पलटा मैं तुझसे राजी हो गया, आदियतम यही लफ्ज है ना, वो क्या जन्नतें मिल गई उसको अल्लाह की रज़ा की। तो आज से जो है भाई हमारा जो एक मोटिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो क्या होना चाहिए, रजाए अब अल्लाह करीम ने तो देखें कैसे मुश्किल में डाले नहीं हमें, तो ऐसा महबूब है कि रजा करने की, उसने ये नहीं कहा कि जैसे आज के मेहमान आ रहे कि मैं जब खुश होऊंगा मेरे लिए पाए बनाओ, मेरे लिए नान लेके आओ जना, मैं फलां का खाना खाता हूँ, वो फलां मुर्ग खाता हूँ, वो मुसलम खाता हूँ और ये खाता हूँ, या कोई महबूब है नहीं, मैं तो जब तुझसे शादी करूँगी पहले इतना तो जहाज लेके आओ, इतनी दौलत लेके आ, दुनिया की कहानी सुनते हैं, चीनी अफराद के किस्से सुनते हैं, बड़े बड़े आशिकों के किस्से सुनते हैं, तो अपने महबूब को राजी करने के लिए दो क्या कुछ करते थे, इधर क्या है, खालिक अजीम हमारा मालिक, उसको राजी करने के लिए क्या अल्लाह ताला कहता है कि भाई तू मुझे राजी करना चाहता है तो मुझे सबसे बड़ी जो रजा, जिस चीज मुझे पसंद है वो डिश तू मुझे दे, वो क्या चीज है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरी हमद कर दे, क्या कर दे, हमद हमद, और फिर हम का कह के ये छुपाया नहीं अल्लाह पाक ने, कहता है नहीं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा, सारे कुरान पढ़ेगा मैं कहूंगा तब हम, सही रात सिजदे करेगा तब कहूंगा तूने मेरे हम का हक अदा कर दिया, उससे राजी होऊंगा, या तू इतने नफिल पढ़ेगा तो इतनी दफा इतनी दफा तू इतनी इबादत करेगा, इतने सजूद करेगा, सारी रात जागेगा, इतने रोजे रखेगा, पूरे साल रोजे रखेगा, तब मैं करूंगा, नहीं अल्लाह पाक के कहते हैं तू एक दफा अल्लाह एक दफा तू क्या कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कलमा है भाई, जरा गौर करें क्या है ये, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बोले फिर बोले, जोर लगा कोई, मेहनत हुई कुछ, सुने अब अल्लाह क्या कहते हैं कि जब बंदा पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये तारीफ मुझे इतनी पसंद है, सब तारीफ में अल्लाह ने निचोड़ कर दिया इसके अंदर, कैप्सूल बना दिया, यानी ये लफ्ज दे के अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत को यानी अंदाजा लगाए कि तारीफ उसकी पसंद है, और पसंद को भी हमें बिल्कुल इतना आसान बना के पेश कर दिया, फिर मैं जब बंदा पहली दफा सुनो, बंदा पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जैसे आपने कहा मैंने कहा, तो जब पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो हकीकतन क्या हुआ कि जमीन आसमान ये सवाब से भर गए, फिर मैं जब दूसरी दफा उसने कहा तो इन जमीन ये जो जमीन आसमान जो भरे थे इस आसमान से भी सवाब निकल गया और सातों आसमानों को भर दिया, तीसरी दफा कहा था ना हमने, तो फरमाया जब तुमने तीसरी दफा कहा ऐ बोल्टन की मस्जिद में बैठने वालों, मक्की मस्जिद में बैठने वालों, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुमने इस तीन वजह से कमा क्या लिया, हमारी बहुत मामूली चीज है, अल्लाह बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती कलमा है, बहुत वजनी कलमा है, क्योंकि अल्लाह राजी हो रहा है इससे, अल्लाह इससे राजी हो रहा है, सबसे इतना अल्लाह से जिस चीज से राजी रहो तो सबसे बड़ा वजनी होगा, सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज होगी, सबसे बड़ी कीमती चीज होगी, इन कलमात को नहीं देखें छोटे हैं हल्के हैं, बच्चा भी कह रहा है नहीं ये देखें कि अल्लाह इससे राजी हो रहा है, इस कलमे से अल्लाह राजी हो रहा है इंसान से, क्योंकि हमद है अल्लाह ताला की पूरी, इसकी देखें आप कदर नहीं हम करते, हमें पता ही इसकी कदर क्या है, मैं जब तीसरी दफा बंदा कहता है तो अल्लाह ताला कहता है फिर सवाब को एक तरफ कर देता हूं और फिर मैं खुद बंदे के साथ आता हूं कि अब बता बंदे तुझे चाहिए क्या, मांग मत जीता, यकीन आ रहा है इस पर नहीं आ रहा, हाँ ये ऐसे ही है तेरे भाइयों, अल्लाह ऐसे राजी होता है, ऐसे राजी होता है, 70,000 फरिश्ते जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, ये तारीफ अल्लाह की कंप्लीट मुकम्मल तारीफ है इसके अंदर, अलहमद की पूरी तारीफ अल्लाह ने कर दी, फिर जब ये बंदा कहता है तो नीयत भी कर ले कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इसकी तारीफ कर रहा हूं, जब से बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 फरिश्ते मुकर्र कर दिए जाते हैं जो उसके लिए बख्शिश और मगफरत करते रहते हैं, मुश्किल है मुझे बताएं भला क्या है इसमें, मुझे बताएं भाई हम दिन बात हमारे से अस्सलाम क्या हाल है, ठीक है जी, हाय हाय कैसा मौका जाहिर कर दिया, बल्कि क्या बोले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बीमार है कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार हूं यार सर में दर्द है,
हम पहले क्या करेंगे, यार सर में बड़ा सर दर्द है, बड़ी आंख में दर्द है, बड़ा पेट में दर्द है, हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, फर्क पड़ गया नहीं पड़ा, तो पहले क्या करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है। क्यों भाई, कि अगर सर में दर्द हो रहा है तो हम अलहमद इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफें इसलिए कर रहे हैं कि इससे अलावे तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, वो नेमतें भूल जाऊं मैं। किसी हाल में भी बंदा हो, किसी परेशानी में, बहुत दर्जे की परेशानी में, आज तो मामूल बन गया, किसी पूछना क्या हाल, क्या बताएं जी, वो लड़ता है, फलां लड़ती है, सास लड़ता है, वो उसके, ये 70,000 किस्से, खासतौर पर औरतें पूरा दफ्तर खोल देंगी, और अल्लाह के इनामात का ना पता, और इतना प्यारा मौका है कि जब दो इंसान मिले तो सबसे प्यारा मौका है कि दोनों मिलकर किसकी तारीफ करें, अपने मौला की तारीफ करें। अल्लाह ताला कहते हैं दोनों बंदों से मैं राजी हो गया। तो पक्का ये भाई, ये वक्त, ये सांस, ये जान, ये हमारी जिंदगी बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी इसकी जो है कीमत है, बहुत कीमत है इसकी। 40 साल 50 साल पता नहीं कितने पीछे रह गए हमारे पास, इसकी बहुत कीमत है। इतना कीमती बना लें इस जान को, इतना कीमती बना लें कि फरिश्ते भी रश्क करने लगे जब आप आसमानों पर जाएं और जब वापस जाएं, ये क्या शख्स आ गया, इसकी कीमत क्या है, ये बन क्या गया है। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ कर, दुआएं मगफरत करते रहते हैं, सुभान अल्लाह। आज के बाद पक्का मामूल बना लेंगे, हर वक्त जबान से क्या लिख लें, नफ्स। आप ये देखेंगे कुरान को अल्लाह ने सारी पूरी नमाजें, जो भी नमाज पढ़ेंगे आप पहले क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, यही कहते हैं ना। कुरान शुरू किया किससे शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी अल्लाह की तारीफ है मुझे बताया, और किसमें बंद कर दिया, हम कहते हैं छोड़ो लफ्ज ही कुछ, ये तो इतना कीमती लफ्ज है कि जमीन और आसमान इससे चमक जाते हैं, इस तारीफ से अल्लाह राजी हो जाता है बंदों से। तो मेरे भाइयों, ये जो है तारीफ अल्लाह की, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें इंसान इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें अता फरमा दी, बिल्कुल कोई दाई ना करे। आज के बाद ये हम मालूम हो जाना चाहिए, ये कलमात जो हैं इनको हम कभी ज़ाया नहीं करेंगे। वहाब बिन मुम्मा बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं, कहते हैं भाई हम तो इसकी कदर नहीं करते, अगर शैतान ये कलमात अल्लाह के सामने कह देता तो वो कभी आजमाइश में पड़ता ही नहीं, इतना बड़े कलमे हैं, इतने बड़े कलम है होते हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत सलमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह, वाकया लिखते हैं, हज पे गए, अपने उम्र पर गए, जैसे जाते हैं लोग तो तवाफ करने के बाद खड़े हो गए मुल्तज़िम के सामने और अल्लाह की हमद बयान की, क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। किस कैफियत में होंगे, क्या उनकी कैफियत होगी जो अल्लाह की हमद की, या उसकी वैल्यू जानते होंगे कि जितनी भी इबादत सारी मैंने कुछ की है, उसको एक लफ्ज में जमा कर दिया कि अल्लाह तू इससे राजी हो, पता नहीं इबादत से तू राजी होता है नहीं होता, उन तवाफ से तू राजी होता है, उस सही से तू राजी होता है नहीं होता। तो उन्होंने सबसे क्या काम किया, खड़ो के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कह के चले गए। अल्लाह ने फिर तौफीक दी दूसरे साल फिर आए, जब दूसरे साल आए तो उन्होंने खड़ो के फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऊपर से आवाज आई, क्या बंदे पिछली दफा तो ये काम कर गया था, ये कलमे तूने पढ़े थे, अब तक फरिश्ते उसका सवाब लिख रहे हैं, और लिखते लिखते थक गए। क्यों, कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्की मस्जिद में बैठ कर रहे हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर में बैठ के कर रहे हैं, और एक अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के घर में खड़े, फर्क है ना। जहाँ 1,00,000 का नमाजों का सवाब हो तो वहां भाई वहां खड़े गए, उसने अल्लाह की तारीफ कर दी, वो समझते थे कि सबसे बड़ी चीज है, लेकिन वहां भी जाए तो हमें मुंह से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन ये पता नहीं कि सब चीजों का नचोड़ किस में है, अल्लाह की तारीफ में। ये जिक्र क्या है, अल्लाह की तारीफ तो है, जब हम बैठ के करते हैं कलमात, क्या अल्लाह की तारीफ तो है। तो इस तमाम चीजों को अल्लाह पाक ने, हर वक्त तो आप ये नहीं कर सकते लंबा चौड़ा जिक्र, अल्लाह ताला ने कितना कदम फरमाया कि ये बंदा कभी भी मुझसे गाफिल ना हो, जब मेरे पास आए तो मैं इससे राजी हूं। तो आज के बाद ये मामूल बना लिया जाए कि हम जो कुछ भी हो जाए, हमने क्या करना है, इन कलमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है और जिंदगी को जाया नहीं करना, और नियत ये कर लें आज से, अल्लाह ताला जब भी मेरे मुंह से कलमात निकलें तो यही मेरी नियत हो कि मैं अपने रब को राजी कर रहा हूं, बस दुख हो परेशानी हो सबसे पहले क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह, हर हाल में अल्लाह को, कोई ऐसी चीज है ही ना। अल्लाह पाक कहते हैं कि देख, हज़रत इब्राहिम सलाम कहते हैं कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है
बड़ी अजीब चीजें देंगे आप, हदीस याद आ रही है कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह पाक फिर फौर उस पर चार इनाम अता फरमा देते हैं। कितने? फौर चार इनाम फौर मिल जाते हैं। नंबर एक, उसकी तंगदस्ती को अल्लाह पाक दूर फरमा देते हैं, जरूरत है या नहीं है, उसकी परेशानियों को अल्लाह ताला खत्म फरमा देते हैं, एक लफ्ज। नंबर तीन, उसके लिए आखिरत आसान फरमा देते हैं। मतलब क्या? आखिरत से आखिरत कब शुरू होती है? जब सलूट पड़ते हैं, आ जा भाई तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, दाना पानी खत्म हो गया, ये बिस्तर तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे कपड़े फेल हो गए, ये घड़ी तुम्हारी खत्म हो गई हैं, ये भाई तुम्हारा मकान खत्म हो गया है, छोड़ो इसको, छोड़ो पीछे वालों के लिए छोड़ो, आओ आगे चलो। जब ये आवाजें आने लगेंगी कानों में और सामने फरिश्ते नजर आने लगेंगे, ये उस वक्त की बात है, ये आखिरत की तैयारी शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आखिरत, आखिरत उसकी आसान फरमा देते हैं, गोया मौत से ये कलमा जो है उसकी मौत से लेके आसानी शुरू कर देता है। जिस वक्त हमारे मेहमान हमें लेने आएंगे हमारे असल जगह पर, समझे ना भाई, जब सब चीजें उतर रही होंगी, अभी तो कहते हैं गाड़ी मेरी है, वो कहें गाड़ी उतारो जल्दी करो जल्दी करो, वो कपड़े बनाए भी मैंने, इसके लिए भाई कपड़े उतारो, सबसे पहले कपड़े ला दो, कपड़े उतार दो, चेन उतार दो, टोपी हटा दो, भाई ऐसे फेंकते हैं सब चीज हमारे जिस्म से, इसका क्या ताल्लुक, इससे इस दुनिया से इसका ताल्लुक नहीं, चला गया। उतरती ना सब चीजें, बड़ी बड़ी महबूब चीजें निकल जाएंगी, बड़ी खूबसूरत अंगूठी बनवाई थी जनाब, इसमें इतना बड़ा नग डाला था, हैं हमने तो देखा है कि जनाब औरतों का ये दुनिया है, ये दुनिया है कि सोने के कड़े पहने हुए हैं, अंगूठी पहनी हुई है, अल्लाह ने बुला लिया, आगे हाजिरी हो गई, अब उसी हालत में अंगूठी पहनी हुई, सोने कड़े पहने हुए, पता नहीं कैसे बनाए थे, शौक से बनाए थे, तो अभी कड़े पहने हुए हैं, अंगूठी पहनी हुई है, और बाहर झगड़े हो रहे हैं बेटियों के, बहुओं के, कि ये कड़ा मैंने लेना है, ये अंगूठी मैंने लेनी है, ये बुंदा मैं, खुदा की कसम हकीकत बता रहा हूं आपको, ये हमारे घरों में होता है। कौन किससे प्यार करता है भाई, ये सब आर्जी चीज है, प्यार करने वाले एक ही जात है, वो रब है, उससे हम प्यार नहीं करते, उससे जो प्यार करने जो प्यार करते हैं उससे प्यार नहीं करते, उसको महबूब नहीं समझते, उससे प्यार तो करके देखो, उससे मोहब्बत तो करके देखो दोस्तों, ये सब आरसी चीजें, ये अपनी चीजें अगर गैर जरूरी कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब बेगाने हैं, ये गुरु की बात बता रहा हूं आपको, वो कहे गाड़ी मेरी है, अब्बा की गाड़ी मैं लूंगा, अब्बा का फला मैं लूंगा, ये तो फिर समय मेरे आएगा, ये गाड़ी मेरी आएगी, कहीं आपने कोई BMW या कोई मर्सिडीज छोड़ दी, बड़े खुश होंगे बेटे, निकला पता साफ हुआ यार, आप मजे से गाड़ी चलाएंगे, पूछना किसने, स्पीड से चलाएंगे गाड़ी माशाल्लाह, अट्ठो यार इसका बिस्तर साफ करो, हम सोएंगे आराम से, ये क्या यहाँ खांसता रहता था, पड़ा रहता था, तंग करता था, ये दुनिया है, ये हकीकत है भाइयो, अपनी जिंदगी को समझो कि बस यहां सब ऐसे ही है कि मुसाफिर के तरह इंसान जिंदगी गुजारे अपनी, और अपनी जिंदगी को वैल्यूएबल चीज समझो, सब धोखा है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये जो प्यार अल्लाह ने डाला है हमारे दिल के अंदर माँ बाप से बेटे से कर लिए, इसमें मादियत है, बाप बेटा के जो सबसे, माँ और बेटे की जो सबसे बड़ी मोहब्बत मशहूर है, मादियत है इसमें, पैसा देना देना छोड़ दें आप, माँ छोड़ देगी आप, जो बेटा ज्यादा पैसा देगा माँ उसके घर रहेगी, होता ही नहीं होता, जो बेटा माँ को ज्यादा पैसा देता है माँ उसको ज्यादा पसंद करती है, उससे प्यार करती है, खाली आप प्यार, मैं भूखा नंगा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा बेटा जो उसके पास माल दौलत है वो तो उसके पास रहेगी, मेरे पास क्या आएगी, नहीं बेटे मैं तुझसे बहुत मजबूत, माँ मेरे पास तो आ जाओ, आऊंगे बेटा आऊंगे मैं तेरे पास आऊंगा, बस यहाँ मुझे आराम है, यहाँ बैठी रहती, ये सब आर्जी चीजें हैं, सब धोखे की चीजें हैं, जब दुनिया चला जाता है तो कुछ भी इंसान को नहीं मिलता, ये मकान, ये दुकान, ये कपड़े, ये लत्ते, ये सब कुछ जो है ये सब आर्जी है, हकीकत समझे आरसी है, हकी चीज क्या है, पक्की चीज क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने रब से मिला दे, जो कलमा हमें अपने रब से मिला दे, जो रब को राजी कर दे, करोड़ों दे के भी ये कलमा मिल जाए तो बहुत सस्ता सौदा है, करोड़ों रुपए भी देके, पूरी जायदाद किंगडम दे के, बादशाहत दे के लोगों ने इस कलमे को खरीदा है, दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने बादशाह तो बादशाहतों को लात मार दी, आज की बादशाह पुरानी बादशाह की बात करते, एदम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न एदम कितने बड़े आदमी थे, बादशाह थे, बलख के किक मार दी, क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह खरीद लिए मैंने, अल्लाह की तारीफ सीख लिया, हम मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तो मेरे भाइयों हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि हम बहुत कीमती चीज हैं, और ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं, ये बहुत वजनी चीजें हैं,
इनको अपनी जिंदगी में उतारें, फजूल का मात जिनका कोई मकसद नहीं होता, बस कोई तारीफ नहीं, कोई बात नहीं, चिकवे शिकायत इधर वो ना, हमें ये पता कि हम ये कलमे कहेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं, अगर ये कलमे कह दी तो कितना फ़ायदा हो जाएगा, दुखना दुखना रोना पीटना शिकायतें कुछ नहीं, हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते चार इनाम अता फरमा दे दूंगा मैं उसको, नंबर एक जिस तंग दस्ती में उसको दूर कर दूंगा, जिस मुश्किल में उसको ख़त्म कर दूंगा, आखिरत के तेरे गम आसान कर दूंगा, और अल्लाह अकबर दोज़ख से तुझे निजात दे दूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये अजीम कलमे आज दिल में आई इसकी तारीफ की जाए, क्योंकि मजलिस भी जिक्र की है। अब मुझे बताएं कि जो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह इतने इनाम देता है, अब जो आप यहाँ बैठे हैं गर्दन झुकाए, अब एक घंटे आप लगाएंगे पूरा कैसे कैसे कलमे पढ़ेंगे तो मुझे बताएं कहाँ मुकामात पहुँच जाएंगे। शुक्र ना करें उस रब का, बताएं मुझे कि हमें चुन लिया अल्लाह पाक ने इस काम के लिए, हमें चुन लिया, और वो लोग जो सुन रहे हैं इसमें 300-400 आदमी औरतें मर्द जिन अपने कामों को जल्दी जल्दी ऐसे फटाफट निबेटते हैं, क्यों आज जिक्र है भाई, उनको पता लगता है नोटिफिकेशन जाता है, फटाफट अपनी रोटी शोटी पकाती हैं, ऐसी औरतें हैं बेचारी, बच्चों को जल्दी सुला देती हैं, अपने चीज़ें करती हैं, खाने का मामला उधर करती हैं, फौरन सब चीज़ से निमट के अल्हम्दुलिल्लाह आके कोने में बैठ जाती हैं, वो लगा कर ऑन पर लगा कि अब अल्लाह का जिक्र है कि मैं भी शामिल होंगी। अभी भी हैं 300-400 आदमी औरतें सुनते हैं तो अल्लाह उनको खाली छोड़ देगा, जितनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी होंगी, कैसे कैसे मसले औरतें पूछती हैं खुदा की कसम, कह लेंगे जी हम जिक्र ऐसा करें कि हम बच्चों के साथ काम भी कर रहे हैं इस तरह जिक्र कर सकते हैं, या ऐसे जिक्र करें तनहा बैठ के जिक्र करें, भाई जिक्र तो हर चीज़ में अफजल है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने प्यारे ख्यालात हैं आप देखें, सुभान अल्लाह। तो ये है मामला ऐसा कि अल्लाह ताला कितने कर्म किए हैं, इन लोगों को सिलेक्ट किया इस गफलत की दुनिया के अंदर जो आज गाफिल दुनिया है, ये एक्सट्रीम पे है गफलत की दुनिया, याद रखें आप, ये गफलत का ज़माना है जो हदीस में मिलता है, इसके बारे में सहाबा कराम से लोग अल्लाह के नबी बातें करते हैं, ज़माना आएगा जो गफलों का ज़माना होगा, इसमें गफलत छा चुकी होगी, लोगों कलूब जो उनके बिल्कुल गाफिल हो चुके होंगे, हत्ता कही नबी हम कि मस्जिदें जो होंगी उनमें भी दुनिया की बातें होंगी, उनमें भी हंसी की आवाज़ें आएंगी, झगड़े की आवाज़ आएंगी, ऊंची आवाज़ें आएंगी, वहाँ दुनिया के वहाँ फैसले होंगे, वह कारोबार के फैसले होंगे, वह मामलात के फैसले होंगे, आज है दुनिया में ये बात नहीं बिता, देख लिया। तो इस गफलत की दुनिया के अंदर, इस गफलत की दुनिया उसी मस्जिद में अल्लाह ताला जिसके नबी उस वक्त शिकायत कर रहे थे, एक जमात को बिठाने के बाद पूरा घंटा अपनी तारीफें अल्लाह ताला करा दे, उसका क्या मुकाम है। वादा करें कि अब रमजान भी आने वाला है कि इसी तरह इस मजालिस को कायम रखें। अच्छा हाँ, जिक्र को बहुत, अल्लाह के जिक्र को और हम्द को बहुत कीमती चीज है दोस्तों, इसको कभी ना छोड़ें, रमजान भी आ रहा है, समझ जाएं कि अब हमारे पास इतनी ताकतें नहीं हैं हम बड़े बड़े अमल कर सकें, भाई उम्रे पे जा सकें, ये कर सकें, अल्लाह ये भी तौफीक दे तो अच्छा है, लेकिन जब तक है ये चीज़ मिल रही है हमें, इसको ज़ाया ना करें, अपनी ज़िंदगी और सांसों को कीमती बनाएं, जब पता चला करें कि फलां जगह जिक्र हो रहा है पहुँचें। अब ये नहीं कि भाई इस मस्जिद में बैठे यहाँ होगा, आपके इधर तो कहीं सुना करेंगे भाई आज फलां जगह भी आए हुए हैं ये लोग, वहाँ जिक्र कर रहे हैं, शामिल हो जाएं, शामिल हो जाए। जब जितनी इंसान कुर्बानी देता है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह भी उतनी ही राजी होता है। ये जन्नत एक तो नहीं है ना, जन्नत के तो बड़े दर्जात हैं, यहाँ आपने बैठ के जिक्र कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लिया, लेकिन अब आपने कुर्बानी ये दी कि यार फला मस्जिद में भी जिक्र हो रहा है, चलो आज थोड़ा अपना काम आगे पीछे करता हूँ और जाके अपने थोड़ा कमाई लेते हैं, आखिरत बैठ के यहाँ भी तो बैठे हैं हमने, नहीं शैतान नहीं यार तू नमाज पढ़ तो ली है, तस्बीह कर ली, अब क्या जाने की यार, अब आराम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ ही जाएंगे मंगल को यहाँ जिक्र, बिल्कुल नहीं, फिर मैं मंगल तक मैं इंतजार क्यों करूँ, हो सकता है कि जिस मस्जिद में मुझे अल्लाह भेज रहा है कि यही बख्शिश का जरिया बन जाए मेरी, इसी से अल्लाह राजी हो जाए। होशियार करें अपने आप आखिरत के लिए, बेदार करें अपने आप, शौक पैदा करें आखिरत का, सुस्त होकर ना बैठे, कमाएं खूब कमाएं, पता चले इस मस्जिद में हो रहा है चलो भाई चलते हैं कोई बात नहीं, तो इसमें नजर लगा तुमको बात समझ आ गई आपको अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का बहुत बड़ी चीज है, देख समझ आ गई, अब ये नहीं हम नहीं कह सकते हमें पता ही नहीं था कि हम तो क्या चीज़ है जिक्र, अब समझ आ गई ये बात, अब सुस्ती करना तो बड़ी अजीब बात है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आप आज़ाद कर दे।